हमें पूरी उम्मीद है कि यह संदेश पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से चला गया है कि यदि भारत और पाकिस्तान का जो मुद्दा है, अगर वो चर्चा करना करने लायक है, करने योग्य है, तो ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में ही हो सकता है। और हमारी ये भी सलाह है कि पाकिस्तान को ये बार बार 3 महीने में 4 महीने में ये शर्मिंदगी से बचनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि जो उनका झूठ है, जो वो एक नज़रिया पेश करते हैं, उस नज़रिए का ग्लोबल कम्युनिटी में उसका कोई टेकर्स नहीं है। जी हाँ, जहाँ तक चीन का सवाल है, मुझे लगता है कि ये सवाल उनसे ही पूछना चाहिए कि वो बार बार क्यों उनके तरफ से ये उनके बिहाफ पे कर रहे हैं। बट उसके साथ हमारा ये भी कहना है कि चाइना को जो एक ग्लोबल कंसेंसस बना है, जो रिफ्लेक्ट हुआ एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में कि इस मामले को यूएनएससी में नहीं डिस्कस करना चाहिए, उनको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और शायद उससे कुछ सीख भी लेनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि भविष्य में उनको ऐसा एक्शन करने से और ये करने से बचना चाहिए। एफएटीएफ द्वारा जो सेक्रेटेरिएट है, उस पाकिस्तान से कहा जाता है कि इतने एक्शन पॉइंट्स हैं, आप उसका जवाब दो। ये एफएटीएफ के ऊपर है, उनके मेंबर्स के ऊपर, कि जो जवाब पाकिस्तान से मिलता है उनको बारीकी से समझें, उसकी तहकीकात करें, देखें कि पाकिस्तान इन एक्शन पॉइंट्स में कितने पर खरा उतरा है, और उसके बाद जो डिसीजन लेना होता है वो एफएटीएफ लेगा। मैं उसमें उनके प्रोसेस के ऊपर या उनके डिसीजन के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि बतौर प्रधानमंत्री क्या इमरान खान को SCO की समिट में भारत आने के लिए न्योता भारत की सरकार भेजेगी, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा जो स्थितियां हैं उसमें इमरान खान भारत आएंगे? देखिए, मैं ये बता सकता हूँ कि हम क्या करेंगे, और मैंने अभी बताया है कि ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है कि जब भी SCO काउंसिल ऑफ अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है तो SCO के जो 8 सदस्य देश हैं उनको बुलाया जाता है, जो उनके 4 ऑब्जर्वर देश हैं उनको बुलाया जाता है, और जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बुलाया जाता है। जैसा मैंने कहा कि जितने भी ये सारे हैं हम सबको बुलाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा ये इस समय मेरे लिए बताना मुश्किल है।